हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और आज मैं आपको ऐसी 12-13 चीज़ें बताने वाली हूँ जो हमारे सबके किचन में रहती है और हम इसको बहुत ही इजीली निकाल दे सकते हैं या डिक्लटर कर सकते हैं, जिससे हमें किचन साफ़ सुथरा रखना बहुत इजी हो जाएगा। सबको ही पता है कि हम लोग किचन में काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं और जब हम खाना बनाते हैं तब बहुत सारी चीज़ें हौच पौच रहती है और इनको अगर जगह पर रखना है और किचन साफ़ सुथरा रखना है, किचन को अच्छे से रखना है, तो इन चीज़ों की आपको मदद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ है रिसीट्स। अब जब भी हम ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं तब हमें ऐसी वाली रिसीट्स मिल जाती हैं। अब सब्जी वाले भी ऐसी वाली रिसीट्स देने लगे हैं। हम आते ही इन रिसीट्स को फेंक नहीं देते। कई बार हम ना तो बोल सकते हैं बट हमें लगता है कि हमें चेक करना चाहिए, इसलिए हम लोग इसको लेके आते हैं। और कभी कभी हमें लगता है कि हमें कुछ एक्सचेंज करना पड़ा तो भी चाहिए, इसलिए हम आने के बाद भी फेंकते नहीं हैं, इसको कहीं रख देते हैं और फिर उसको भूल जाते हैं। और ऐसी ही रिसीट्स कई जगह किचन में बेसिकली पड़ी रहती है। तो जब भी हम लोग कोई चीज़ लाए तो अच्छा है इसको डिक्लटर कर दें। दूसरी चीज़ है पेपर कवर्स या पॉली बैग्स। अब जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर हम अपनी बैग नहीं लेके आए तो जनरली वो पेपर के बैग में या फिर प्लास्टिक में काफ़ी चीज़ें हमारे घर में आ जाती हैं, या फिर हमने कोई नई चीज़ खरीदी तो ऑलमोस्ट वो प्लास्टिक कवरिंग में होती ही है। और ऐसी चीज़ों में हमारे पास ऐसी प्लास्टिक की पॉलीथिन्स काफ़ी सारी आ जाती है और हम लोग काफ़ी बार इसको ऐसे अच्छे से घड़ी करके वगैरह रख देते हैं। मतलब हर एक के घर में एक ऐसी प्लास्टिक बैग तो होती है या बैग होती है जिसमें सारे बाकी के बैग्स भरे हुए होते हैं। तो ऐसी सारी बैग्स में हम लोग भरते ही जाते हैं क्योंकि हमें यूज़ तो कभी होती है किसी को कुछ देना हो तो, पर जितनी हम लोग रखते हैं उतनी हमें यूज़ नहीं होती और सालों साल ऐसी ही ये पड़ी रहती है। मेरे पास तो मैंने जब से प्लास्टिक यूज़ करना बंद किया है उसके पास से ऐसी बैग्स इतनी सारी पड़ी है कि उनको मैंने यूज़ ही नहीं किया और वो अभी टूटने लगी है, इतनी पतली हो गई है, उनका स्ट्रक्चर उतना ख़राब हो गया है। तीसरी चीज़ है मेश। तो हम लोग जब भी ऑनलाइन मंगाते हैं चीज़ें तब काफ़ी बार या तो प्याज लहसुन टोमेटो ऐसी चीज़ें ऐसी वाली मेश में आ जाती हैं। ये तो मुझे शायद डेटॉल हैंड वॉश के साथ आई थी। तो ऐसी वाली मेश भी हम लोग काफ़ी बार रख देते हैं ताकि बाद में यूज़फुल होगी, पर मैंने तो इसको कभी यूज़ नहीं किया आज तक। नेक्स्ट है एक्सपायर्ड आइटम्स। अब हमारे पास बहुत सारे मसाले तो रहते हैं, हम लोग खरीद के भी लाते हैं, छोले का मसाला, पानीपुरी मसाला, चाट मसाला, ये मसाला वो मसाला, और बहुत सारे मसाले इनमें से यूज़ नहीं होते। और अगर हमने ये मसाले सेल में लाए हैं या उनमें कोई ऑफ़र होगा तो बहुत जल्दी उनकी एक्सपायरी डेट आती है और वो यूज़ करने के लायक नहीं रहते। अब मैं हर मसाला एग्जैक्टली एक्सपायरी डेट पर फेंकती नहीं हूँ, मैं एक दो महीने एक्स्ट्रा यूज़ करती हूँ, पर अगर कई बार मैंने देखा है कि तो एक्सपायरी डेट के थोड़े दिन बाद ऐसे उसमें जाली जैसी दिखने लग जाती है और फिर लगता है कि अरे यार इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो बेटर है कि हमारे पास जो भी कोई एक्सपायर्ड फूड आइटम्स है उनको हम निकाल दें क्योंकि उन पर उतना भरोसा नहीं रहता। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए ऐसे वाले स्नैक पैकेट्स। अब मैंने तो ये काफ़ी बार नोटिस किया है, पता नहीं आपने नोटिस किया है नहीं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे स्नैक आइटम्स रहते हैं हम लोग जिसको लेके तो आते हैं और इसमें थोड़ा सा बचा रहता है इतना सा, क्योंकि नीचे नीचे का जो रहता है ना उसमें थोड़ा मसाला रहता है और वो थोड़ा ज़्यादा अजीब तरीके से टेस्ट करता है। तो बहुत सारे लोग ऊपर वाला खा लेते हैं और नीचे का थोड़ा थोड़ा बचा है उसको ऐसे ही रख देते हैं। और ऐसे बहुत सारे पैकेट्स थोड़ा सा बचा हुआ रहता है और उसके लिए हम लोग पूरा पैकेट संभाल के रखते हैं। अगर आपने ये ऐसे वाले पैकेट्स काफ़ी निकाल दिए तो आपका घर बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा दिखने लगेगा। छठी कैटेगरी है ऐसी सारी चीज़ें जो हमारे पास रहती तो है पर हम उसको लेना नहीं चाहते या हम लोग उसको यूज़ नहीं करते। हमारे पास काफ़ी सारी छुरियाँ रहती है, काफ़ी सारे छोटे बड़े चम्मच रहते हैं जिनको हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, पर कुछ चम्मच या तो हमें गिफ्ट मिलते हैं या तो हमारे पास पहले से होते हैं या हमने लाए होते हैं, पर वो हमें यूज़ करते वक्त या खाना बनाते वक्त उनमें मज़ा नहीं आता तो हम लोग उसको कभी लेते ही नहीं। जैसे मेरे पास ये है, तो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत संभाल के रखा कि मैं कभी कभी यूज़ करूँगी, पर मुझे अब समझ में आ गया कि मैं इसको कभी यूज़ नहीं करूँगी, तो ऐसी चीज़ें निकाल देना बेहतर है। इसी में और एक कैटेगरी है, वो है डुप्लीकेट्स। हमारे पास काफ़ी चीज़ें दो तीन रहती है और इनमें से हम लोग जनरली एक ही यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देते हो, हमारे पास ये दो चार पांच छुरियाँ तो हैं पर इनमें से ज़्यादातर यही यूज़ होती है। वैसे ही हमारे पास ये पीलर है दो पर इनमें से हमेशा जो पीलर यूज़ होता है वो यही है, ये ज़्यादातर यूज़ भी नहीं होता। तो ऐसे अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है कि कभी भी आप यूज़ नहीं करेंगे तो उनको आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है एम्प्टी बॉक्सेस। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं वो जनरली बॉक्सेस में आती है, या तो आप कप्स मग्स का सेट ले लो या आप डब्बा ले लो या आप कोई बर्तन ले लो, जनरली उसके साथ एक बॉक्स आता ही है। हम इनमें से काफ़ी सारे बॉक्सेस रख देते हैं, यहाँ तक कि हमने फ्रिज टीवी इनके भी बॉक्सेस रखे हुए हैं क्योंकि हमें लगता है कि जब हम शिफ्टिंग करेंगे या
जब हम कुछ और करेंगे तब हमें इनका काम आ जाएगा। पर काफ़ी बार ये छोटे छोटे बॉक्सेस जो हम लोग संभाल के रखते हैं ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते, पर ये सारी स्पेस ले लेते हैं और इनको साफ़ करने का भी हमारा कभी मन नहीं करता। तो ऐसे अगर आपके पास काफ़ी सारे बॉक्सेस हैं और जो आपको पता है कि इनका कोई यूज़ नहीं है तो आप इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आइटम है कंटेनर्स विदाउट लिड्स। तो हम लोग ऐसे डब्बे जो भी मिलते हैं हमें हम हमेशा यूज़ करते हैं और उनको साथ में रख देते हैं, पर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे डब्बे हो जाते हैं कभी कभी हम लोग डब्बा एक साथ और उनके ढक्कन एक साथ ऐसे उनको रख देते हैं, और जब हम एक्चुअल में उसको ढूंढने जाते हैं या यूज़ करने जाते हैं हमें या तो डब्बा मिल जाता है उसका ढक्कन नहीं मिलता, या तो ढक्कन मिल जाता है उसका डब्बा नहीं मिलता, और हमें याद नहीं रहता कि कौन से डब्बे ढक्कन हमारे पास कॉम्बिनेशन में रेडीली अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो या तो आप डब्बे और ढक्कन एक साथ यूज़ करिए या रख दीजिए, या तो जिन और ये जब चेक करेंगे तब जिनके ढक्कन नहीं है उनको ज़्यादातर निकाल दीजिए। अगर आप उसको किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, जैसे मैंने इसको यूज़ किया है इसका जो ढक्कन था वो टूट गया, तो फिर मैं इसका क्या करूं, तो मैंने सोचा इनको मैं इस तरह से यूज़ करती हूँ तो ये इजी हो जाता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है या वो यूज़ करने के लायक नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक के डब्बे। अब ये हमारे पास हम कितना भी ना जाए थोड़े ना थोड़े आ ही जाते हैं। जब हमारे पास कोई डिलीवरी आ जाता है तब ऐसे डब्बे बहुत सारे आ जाते हैं जिनको मैंने धो के रखा है, या तो आप इनको ऐसे ही फेंक दो या तो काफ़ी घरों में ऐसे संभाल के रखे जाते हैं क्योंकि हमें किसी को कुछ देना होगा तो ये काम आ जाएंगे, रिटर्न आएगा ही नहीं, ये देखना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हम काफ़ी डब्बे संभाल के रख देते हैं, बट एक्चुअली कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है और हम उतने डब्बे यूज़ नहीं करते, तो हमें एक लिमिट रखना चाहिए। जैसे मैंने डिसाइड किया है कि ये जो बॉक्स है इसमें जितने डब्बे रहेंगे उतने ही मैं रखूँगी, उससे ज़्यादा अगर बाहर स्पिल होने लग गया तो मुझे डब्बे कम करने की ज़रूरत। नेक्स्ट है मग्स या कप्स। हमारे पास ना हम सेट में तो कप्स मग्स वगैरह लेके आते हैं, वो तो यूज़ होते ही है, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ मग्स वगैरह मिल जाते हैं वो भी हमारे पास रहते हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास रह जाते हैं जिनमें से हम कुछ ही यूज़ करते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल मुझे ये ऑफिस से मिला था, ये बहुत ही अच्छा मग है पर मैं ना कॉफ़ी पीती हूँ ना चाय पीती हूँ, तो मैं इसका क्या करूँगी, और मेरे हस्बैंड भी इनको यूज़ करते नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को हमें बहुत दिनों तक मैंने इसको संभाल के रखा कि शायद मैं कभी यूज़ करूँगी, पर अभी मुझे जब समझ में नहीं आ रहा है मुझे इसी चीज़ों को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है टूटी हुई चीज़ें। जैसे मेरे पास ये ग्लास है जो पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो टूट गई है, इसको पूरा ये क्रैक आ गया है और इसको मैं यूज़ नहीं कर सकती, पर मैंने पता नहीं क्यों संभाल के रखा है, पर इट्स द टाइम फॉर दिस वन टू गो। वैसे ही मेरे पास एक मग भी है जिसको मैंने पूरा लगा दिया उसको और उसको मैंने एज अ डेकोरेशन आइटम बना दिया है, पर अगर आपके पास कोई चीज़ें हैं जो टूटी फूटी है और जिनको यूज़ नहीं करने के लायक है तो उनको फेंकना अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है बॉटल्स। मुझे लगता है कि हर घर में 4-5 बॉटल से 10-12 बॉटल तक हमेशा रहती है, और इनमें से काफ़ी सारी शायद यूज़ भी होती होंगी, पर इन पे भी अगर हमने लिमिट नहीं लगाया तो हर बार कहीं बाहर गए पानी चाहिए तो हम लोग बॉटल लेके आए, और पुरानी भी रखी है नई भी रखी है, ऐसे बहुत सारी बॉटल चलती ही गई है मिल ही रही है हो ही रही है, ऐसे बहुत सारी बॉटल्स हो जाती है, और फिर हम लोगों को उसके लिए भी एक जगह बनानी पड़ती है। तो अगर ऐसी अननेसेसरी चीज़ें हमारी जगह ले रहे हैं तो इनको हमें कम करना चाहिए। तो ये थी सारी चीज़ें जो हम लोग बहुत इजीली फेंक सकते हैं, इनमें मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो मिनिमाइज़ करने के लिए आपको सोचनी पड़ेगी। और किचन जो ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारा उथल पुथल होता रहता है क्योंकि हर चीज़ हम लोग यूज़ करते रहते हैं, वहाँ पे बहुत इजी है डिक्लटर करना क्योंकि हमें पता है कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है कौन सी नहीं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।